हेलो गाइस, वेलकम टू बेसिक यूपीएससी कॉन्सेप्ट्स। लेट्स डिस्कस द आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल पढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू आर्कटिक रीजन पर डालते हैं, जहाँ पर आपको इस तरह से ग्लासियरी मिलेंगी। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो आर्कटिक रीजन में ग्लासियर थे वो मेल्ट हो रहे हैं, एंड वहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन आज हो गई है। ये देख सकते हैं आप इंडिया, एंड यहाँ पर आता है ऊपर की तरफ आर्कटिक काउंसिल और आर्कटिक रीजन, एंड ये है अंटार्कटिका जो नीचे की तरफ आता है। जो आर्कटिक काउंसिल है ये इस्टेब्लिश हुए है ओटावा डिक्लेरेशन ऑफ द 1996, एंड इसकी 8 मेंबर कंट्रीज है, जो कि यूएस, कनाडा, डेनमार्क, यहाँ पर आता है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एंड ये रहा रशिया। इसको ऊपर की तरफ से आप इस मैप में देख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ से आर्कटिक काउंसिल का एक ओवरव्यू है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द आर्कटिक काउंसिल, इट इज अ नॉट अ फॉर्मलाइज ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी, एंड इट डज नॉट अलोकेट द रिसोर्सेस। इट ऑल्सो डज नॉट प्रोहिबिट द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द आर्कटिक। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इंडिया का ONGC विदेश है, उसका 26% ऑफ द स्टेक है। वैनकॉर नेफ्ट जो रशिया का प्रोजेक्ट है उसमें, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि काउंसिल डज नॉट प्रोहिबिट द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में तो आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है फिर, अगर वो मतलब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को प्रोहिबिट नहीं कर सकता, डज नॉट अलोकेट द रिसोर्सेस, तो क्या कर सकता है? तो इसका ये एक लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम है फॉर डिस्कशिंग द इश्यूज कंसर्निंग द आर्कटिक रीजन, इंक्लूडिंग द साइंटिफिक रिसर्च, पीसफुल एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। एंड इसकी जो डिसीजंस है वो कंसेंससली लिए जाते हैं। एंड इंडिया एंड आर्कटिक काउंसिल का रिलेशन क्या है वो देखते हैं हम। इंडिया फर्स्ट इसका ऑब्जर्वर स्टेट्स बना इन द 2013 में, एंड इट वाज रीइलेक्टेड एज ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ द आर्कटिक काउंसिल इन द 2019। इंडिया एंड आर्कटिक रीजन, इंडिया की एक ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर हिमाद्री, जो 2008 में इस्टेब्लिश की गई, एंड ये इट इज़ अ ओनली रिसर्च स्टेशन है इंडिया का इस रीजन में। जो इंडिया की जो मतलब नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च था, उसको रिनेम कर दिया गया ताकि इसका जो स्कोप है वो आर्कटिक रीजन में भी बढ़ जाए, एंड इसको रिनेम कर दिया गया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च इन द 2018। इंडाक, ये एक इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर। मूरिंग मतलब ये सेंसर, इसको डिप्लॉय किया जाता है ओशन जो सी सरफेस है एंड सी फ्लोर के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, इसको इस केबल को डाला जाता है, एंड ये केबल डाटा ट्रांसमिट करते हैं ऊपर की तरफ। तो इस तरह से इंडिया की इंडाक ये फर्स्ट अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी आर्कटिक रीजन में है। ओके गाइस, तो यही है आर्कटिक रीजन। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।